सो ही गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लाइव। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग का जो है ना क्लास 8th, 9th और 11th का बोर्ड एग्जाम होना है, उसी को लेकर के यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह जारी किया जा रहा है। एंड आई होप गाइस कि आप लोगों ने मॉडल पेपर एंड डेट शीट वगैरह अपना डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं डाउनलोड किया हो तो कोई बात नहीं, मैं भी बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। सो आप लोग यहाँ पे अभी भी वीडियो में बने रहना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी क्लास 8th तथा 9th और 11th के बच्चे हैं, वो सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फिर मॉडल पेपर हो गया, फिर जो आप लोग का टाइम टेबल है वो हमने सारा शेयर किया हुआ है। और चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाना, टेलीग्राम पे आप लोगों को सारा मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे होता ये है कि अब जब नया ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे कोई मैसेज नहीं रहता है, लेकिन टेलीग्राम पे सारा पुराना मैसेज भी रहता है। तो आप लोग जिसमें ज्वाइन करना चाहते हो सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्लास 11th का जो एडमिट कार्ड है ना, वो आप लोग का 11 अप्रैल को मिलेगा, मतलब 11 अप्रैल को लिंक एक्टिवेट होगा, जिसके बाद आप लोग आना है, गूगल में सर्च करना है जैक क्लास 11th एडमिट कार्ड 2023, ठीक है। उसके बाद आप लोग लगा दीजिएगा झारखंड लैब, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक सेकंड, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आप लोग को लिख देना झारखंड लैब, ठीक है। जैसे ही लिखोगे क्लास 11th का, ये आप लोग का आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11th का। एंड क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करके दिखाऊँ आपको, तो आप यहाँ पे ही सेम जगह पहुंचोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग सारे डिटेल्स यहाँ से देख सकोगे। एंड यहाँ पे जो है ना, सारे डिटेल्स लिखे हुए, और आपका जैसे लिंक एक्टिवेट होता है, यहाँ से आप लोग आकर के क्लिक करके डाउनलोड वगैरह आप जो भी आप लोग है कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आप लोग वीडियो लास्ट में देखोगे, सो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप लोग का जो एडमिट कार्ड है ना, इसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, उसके साथ ही सिलेबस का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, टाइम टेबल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, ब्लूप्रिंट यानी कि एग्जाम पैटर्न कैसे होगा उसका ब्लूप्रिंट मिल जाएगा आप लोग को, फिर मॉडल पेपर का भी लिंक मिल जाएगा, सारे का लिंक मिलेगा क्लास 11th के लिए। अब इसी प्रकार से क्लास 9th का देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग का भी सेम सर्च करना, जैक क्लास 9th एडमिट कार्ड 2023, उसके बाद लगा देना आप लोग को झारखंड लैब, ठीक है। ये आप इतना लगाना है, उसके बाद जैसे ही झारखंड लैब लिखोगे, ठीक है, आप लोग के सामने ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आएगा तो सिंपली इसमें आप लोग को क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लास 9th का खुल जाएगा। एंड क्लास 9th का खुलने के बाद सारा डिटेल आप लोग को क्लास 9th का यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी ज्वाइन करना है कर लीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग का एडमिट कार्ड है ना, वो जारी हो चुका है, यानी क्लास 9th वालों का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया, देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का भी एडमिट कार्ड लिंक यहाँ पे है, इसको लॉग इन का भी लिंक है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग का जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना सिलेबस डाउनलोड करना, तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, टाइम टेबल डाउनलोड करना तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, वही एग्जाम ब्लू प्रिंट देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और मॉडल पेपर देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मॉडल पेपर जैसे मैं क्लिक करूंगा मॉडल पेपर खुल जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे क्लास 9th का था ना, तो क्लास 9th का मॉडल पेपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ड्राइव खुल जाएगा, यहाँ पे आप लोग का मॉडल पेपर आप लोग के पास खुल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्लास 9th, 8th जो भी आप लोग क्लास है उससे कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करना है और डाउनलोड करना है, ठीक है, आप लोग को सारी चीजें। उसके बाद दूसरे प्रकार से क्लास 8th वाले देख लेंगे, तो क्लास 8th का भी सर्च करना, जैक क्लास 8th एडमिट कार्ड 2023, ठीक है। उसके बाद झारखंड लैब, इतना आप लोग को सर्च कर लेना है आप लोग को, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे ऊपर में ये क्लास 8th वाला मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। इस पे आप लोग को सिंपली एक बार क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इंटरनेट इशू उठता थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे खुल चुका है। और इसी प्रकार से आप लोग का जो एडमिट कार्ड है ना, वो आज यानी कि 6 अप्रैल को ये रिलीज होगा, मतलब इसका लिंक एक्टिवेट होगा, जिसके बाद जो है ना आप लोग का, और एग्जाम डेट आप लोग का 13 अप्रैल को, यानी कि 13 अप्रैल कक्षा 8वीं का एग्जाम होगा। उसके बाद जो है ना कक्षा 9वीं का जो एग्जाम है, एक सेकेंड, कक्षा 9वीं का जो एग्जाम है वो 11 से 12 अप्रैल को कराया जाएगा। वही कक्षा 12वीं का जो एग्जाम है ना, वो आप लोग का जो है यहाँ पे देख सकते हैं कब से कब तक है, आप लोग का 17 से 19 तक में कराया जाएगा 11वीं का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को आना है क्लास 8th वालों का, एंड आज आप लोग का लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है। वीडियो अगर बाद में देख रहे हो तो आप लोग का आज के बाद मैंने 6 तारीख के बाद देख रहे हो क्लास 8th वाले, तो आपका लिंक एक्टिवेटेड रहेगा यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे लिंक आ जाएगा, उसके बाद आप लोग क्लिक करके डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो क्लास 8th का टाइम टेबल, क्लास 8th का सिलेबस, क्लास 8th का एग्जाम पैटर्न या ब्लू प्रिंट जो भी बोल लो वो चीज है, फिर क्लास 8th का मॉडल पेपर, ठीक है। देखो एग्जाम पैटर्न सारे बच्चे देख लेंगे, सारे मतलब क्लास 8th, 9th और 11th, 8 to 12 सभी का है, ठीक है। अंक तालिका, उत्तर पुस्तक, मतलब जो भी आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न है वो चीज है। सिंपली आप लोग को आना है यहाँ पे, एंड आने के बाद सारे चीजों को पढ़ लेना है। एंड पढ़ने के बाद जो है ना, यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है क्लास 8th, 9th, 11th वालों का और क्लास 10th, 12th वालों का, इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, सारी चीजें से बताया गया, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। एंड लास्ट में आप लोग को यही बोलूंगा कि आप जो है ना एडमिट कार्ड, कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, जैसे कि क्लास नाइन्थ का एडमिट यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, तो क्लास नाइन्थ वालों का एडमिट कार्ड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सिंपली यहाँ पे इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल लॉगिन पे क्लिक करना है, एंड देन यूजर एंटर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है, जो कि आपके स्कूल के पास होता है, स्कूल और कॉलेज के पास होता है। अगर आपके पास है तो यूजर आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए, आपका आपके पास पूरे स्कूल का जो है ना एडमिट कार्ड आ जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल जाइए और वहां से अपने एडमिट कार्ड को कलेक्ट कीजिए, यानी कि अपने एडमिट कार्ड को स्कूल से लीजिए। कोई भी गलती हो गई थी तो इसका जो है ना करेक्शन पोर्टल भी ओपन किया गया था जैक बोर्ड की तरफ से, अगर आप लोगों ने वो नहीं किया तो अब आपकी गलती को नहीं सुधारा जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, देखो जैक नाइन्थ, सॉरी जैक यहाँ पे मैं अगर बता दूं आपको एग्जाम्पल, जैक नाइन्थ यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, सब्जेक्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है, यानी कि कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम था ना उस टाइम एडिट कर सकते थे आप लोग, मतलब कुछ ही दिन पहले तो आया था और आप लोग का खत्म भी हो चुका, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट मॉडिफिकेशन का लिंक है, मतलब था आप लोग का, उसी प्रकार से क्लास एट्थ का भी था, उसी प्रकार से नाइन्थ का भी था, उसी प्रकार से इलेवंथ का भी था। तो यहाँ पे देखो क्लास, अगर नाइन्थ का सब्जेक्ट मॉडिफिकेशन पे क्लिक करें, देखो यहाँ पे बंद हो चुका है अब, ठीक है, क्योंकि अब होगा ही नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड अब आपका आ चुका है ना, तो अब उसका डेट को खत्म कर दिया गया, ठीक है, क्लोज कर दिया गया। अब कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं सुधारा जाएगा, सुधारने के लिए आपको आपके जैक ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी था मैंने आप लोग को बता दिया, और यहाँ पे देख सकते हो एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आना स्टार्ट हो जाएगा, झारखंड लैब पे आना, एंड यहाँ पे जो है ना देख सकते हो आप लोग का इलेवेंथ का इंग्लिश स्कोर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लास इलेवंथ का बहुत सारा इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे आप लोग का, तो आप लोग वेट कीजिएगा, देखिए मोर क्वेश्चन कमिंग सून में है, तो और भी क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर झारखंड लैब व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके रखिए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। हम लिंक वगैरह वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, अपडेट शेयर करते रहते हैं, जिसके थ्रू आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके सारे अपडेट्स को कलेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो कर सकते हो डाउनलोड, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको जो भी था मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो भी था मैंने आप लोग को वीडियो बता दिया, इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, बाद बाकी अगर टाइम टेबल वगैरह डाउनलोड करना है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं क्लास नाइन्थ का टाइम टेबल दिखाऊं तो सिंपली यहाँ पे आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइम टेबल, यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे भी आपके पास ड्राइव का लिंक खुल जाएगा, जिसके बाद क्लास नाइन्थ का टाइम टेबल को यहाँ से देख कर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और आई होप गाइस कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और अगर ज्यादा बच्चों का रिक्वेस्ट आया तो हम लोग तैयारी भी करवाएंगे आपके इलेवंथ का, नाइन्थ का, एट्थ का, तो जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तैयारी करनी है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।